बीती रात्रि सोनपुर थाना क्षेत्र से शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के अपहरण मामले का सारण एसपी डॉक्टर गौरव मंगला ने सफल उद्भेदन कर दिया है और उसे शीघ्र ही बरामद कर लिया गया है। बताते चले कि हाजीपुर के शिक्षा विभाग में पदस्थापित एडीपीसी डॉक्टर उदय उज्ज्वल बीती रात्रि हाजीपुर से पटना जा रहे थे। इसी क्रम में सोनपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने कार सहित उनका अपहरण कर लिया था, जिसके बाद इस सूचना के बाद पुलिस उनके पीछे लगी और उक्त अधिकारी को हाजीपुर से सकुशल बरामद कर लिया गया। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं अपहृत एडीपीसी डॉक्टर उदय उज्ज्वल से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस मामले में सारण एसपी डॉक्टर गौरव मंगला ने बताया कि इस सूचना के बाद पुलिस शीघ्र ही टीम बनाकर हरकत में आई और अपराधियों का पीछा किया गया तो कार सहित उक्त शिक्षा अधिकारी को बरामद कर लिया गया है। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा। बरामदगी कर ली गई, क्या मामला सामने आ रहा है इसमें? जी 16-17 के बीच की दिसंबर की रात को सोनपुर थाना अंतर्गत एक फिरौती हेतु अपहरण का कांड दर्ज हुआ है। एक सरकारी अधिकारी जो शिक्षा विभाग में वहाँ पदस्थापित थे, श्री उदय कुमार उज्ज्वल, वो जब हाजीपुर से पटना लौट रहे थे, सोनपुर में रास्ते में कुछ अपराधियों के द्वारा उनका वाहन समेत अपहरण किया गया। सूचना पाकर पुलिस ने इसमें अग्रतर कार्रवाई करते हुए अपराधियों के भागने की दिशा में पीछा किया गया। इस दरमियान जो अपहृत व्यक्ति हैं और उनका वाहन बरामद हुआ है, पुलिस द्वारा मामले की अग्रतर जाँच की जा रही है और इस घटना में संलिप्त जो अपराधी हैं उनको चिन्हित कर गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कारण सामने आया है सर अपहरण के पीछे का? अभी इसमें बहुत स्पष्टता नहीं है, कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। जो अपहृत व्यक्ति हैं वो कुशल हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही है और कुछ संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। क्या उन्होंने इसमें घटना का कारण और इसके पीछे जो गैंग है वो बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया है। अपहरणकर्ता के बारे में कुछ जानकारी सर अब तक मिली है कि नहीं? अभी जैसे मैंने बताया कि घटना का इसमें जो है हम कोई गिरफ्तारी अभी कर नहीं पाए हैं। कुछ भी कहना जो है अभी प्रीमेच्योर होगा। इसमें हम सभी बिंदुओं पर जाँच कर रहे हैं और जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं।